बायोपिक फिल्म की रेस में अब एक और बायोपिक शामिल होने वाली है। ये बायोपिक फिल्म इंडस्ट्री के ही में धर्मेंद्र के चचेरे भाई वीरेंद्र सिंह पर होगी। ये फिल्म का निर्माण वीरेंद्र सिंह के बेटे रणदीप सिंह करने जा वाले हैं। जी हाँ, निर्माताओं की माने तो ये फिल्म वीरेंद्र सिंह के निधन के पीछे रची साजिश का पर्दाफाश करेगी। फिल्म की शूटिंग अगले साल तक शुरू होने की उम्मीद बताई जा रही है। बताना चाहेंगे आप सभी लोगों को, रिश्ते में धर्मेंद्र के चचेरे भाई वीरेंद्र सिंह देओल पंजाबी सिनेमा में अपने भाई से भी बड़े स्टार रहे। पंजाबी सिनेमा में वीरेंद्र का नाम इतना फेमस हो चुका था कि हर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उन्हें ही अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। वीरेंद्र सिंह को पंजाबी सिनेमा का गॉडफादर और बिग बी भी कहा जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 6 दिसंबर 1978 को वीरेंद्र सिंह फिल्म जट दे जमीन की शूटिंग कर रहे थे, तभी अचानक किसी ने गोली उन पर चला दी और उनका निधन हो गया। जी हाँ, वीरेंद्र के निधन किसने की या किसने करवाई और कैसे करवाई, क्यों करवाई, ये सवाल आज भी लोगों के मनों में बना हुआ है। आपको बताना चाहेंगे, कहा जाता है कि वीरेंद्र सिंह की शोहरत ही उनकी दुश्मन बन गई। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें आतंकवादियों ने गोली मारी। निधन के वक्त वीरेंद्र की उम्र महज 40 साल थी। वीरेंद्र सिंह की ये बायोपिक में धर्मेंद्र और उनके बेटे सनी के कुछ खास सीन भी दिखाई देंगे। जहां रणदीप की माँ पम्मी हीरो अभय देओल की मौसी का किरदार निभाएंगी। फिल्मी अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।